फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों बात करने वाले हैं JSW स्टील के बारे में। दोस्तों स्टील क्षेत्र का नंबर वन कंपनी JSW स्टील है। दोस्तों क्या इस शेयर में पैसा लगाना सही रहेगा? नंबर वन कंपनी है पूरे इंडिया का, 684 रुपये में मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको 5 डे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, शेयर नीचे गिरा था 638, अभी देखिए एक शानदार रिटर्न दे चुका है। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में आप देखोगे तो 569 से शेयर 684 तक आ चुका है, यानी एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 10% की। अगर मैं आपको 6 महीने की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, 8% की रिटर्न दिया है कंपनी। अगर मैं 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, कोविड के टाइम में भाई ये शेयर 143-140 में मिल रहा था। जो लोग यहाँ पर बाय किए होंगे उनको एक मल्टी वेगर रिटर्न इस बीच मिल गया है। अगर मैं इस बीच रिटर्न दिखाऊंगा, करीबन 300% की कंपनी रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों। और कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 1652% की रिटर्न दिया है। 39.40 रुपीज़ करके लिस्टिंग हुआ था 2005 में, और आज देखिए कहाँ पर है दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 750 का, शेयर का नेक्स्ट टारगेट 750 का है दोस्तों। क्या इस शेयर जा पाएगा, चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं। NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं। ट्रेड वॉल्यूम बहुत शानदार है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा आया है, फिर भी 25% की माल डिलीवरी में उठाया गया है। 776 इसका हाई है, मैं 750 का टारगेट दे रहा हूँ, 410 इसका लो है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि 21 जनवरी को रिजल्ट आया था, रिजल्ट पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग 18% गिर भी है, ये हम लोग को एक नेगेटिव बात देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो और सारे चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। और आप देखोगे तो ये जो कंपनी है 1,65,000 करोड़ का मार्केट कैप रखा है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से बहुत ही शानदार है। BSE NSE दोनों में कंपनी लिस्टिंग है। बुक वैल्यू 252 है, डिविडेंड कंपनी 1% की देता है, स्टॉक भी 7.66 है। और दोस्तों ROCE यहाँ पर दोस्तों 15% है, ROE 19 से फेस वैल्यू 1 का है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 60,000 करोड़ का रिजर्व रखा है, 1,70,000 करोड़ का एसेट रखा है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रहा है, फ्री कैश रखा है, नेटवर्क अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देता है। और दोस्तों हम लोग देखेंगे तो स्टील क्षेत्र में काम करता है, लार्ज स्टील और स्टील का नंबर वन कंपनी है। कारोबार देखेंगे, कारोबार ठीक हुआ है। ईयर वाइज प्रॉफिट, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में गिरावट है, 7,000 से 4,000, यानी क्वार्टर वाइज प्रॉफिट में गिरावट है। ईयर वाइज कारोबार ठीक हुआ है, प्रॉफिट चेक करेंगे प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, यानी क्वार्टर वाइज गिरावट था, ईयर वाइज प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड पे आउट भी ईयर वाइज बढ़ा है। 448% की कंपाउंडिंग ग्रोथ पॉजिटिव है, 56% की CAGR पॉजिटिव है, 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ पर एसेट देखेंगे, एसेट में तेजी, नेट कैश फ्लो देखेंगे, नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस था, अभी पॉजिटिव हो चुका है। हम लोग को यहाँ पर भी एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, ये शेयर ऊपर जा सकता है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे होल्डिंग 44% प्रमोटर रखे हैं, FIL 11%, DIL 8.38, गवर्नमेंट के पास 0.51, पब्लिक यहाँ पर 34, अदर्स जो है 0.33 रखे हैं। तो दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद अभी 685 में मिल रहा है, 750 का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।